हेलो राइडर्स, कैसे हो आप दोस्तों। टीवीएस कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज निकल के आ रही है। टीवीएस कंपनी अपनी जेपलिन बाइक को बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं अपने इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। दोस्तों, ये टीवीएस कंपनी की मोस्ट अवेटेड बाइक है जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इस बाइक का इंतजार पिछले 5 सालों से किया जा रहा है। इस बाइक का ऑफिशियली लॉन्च डेट कन्फर्म हो चुका है। दोस्तों, ये टीवीएस कंपनी की फर्स्ट क्रूजर कैटेगरी की बाइक होने वाली है जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च होगी, इस बाइक का प्राइस क्या होगा और इस बाइक में आपको क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं 4 व्हील। दोस्तों, टीवीएस कंपनी ने इस बाइक के कॉन्सेप्ट को 2018 में होने वाले ऑटो एक्सपो में दिखाया था और तब से लेकर आज तक इस बाइक का वेट किया जा रहा है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने का। तो बात करें सबसे पहले बाइक के लुक के बारे में, तो बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। बाइक के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको एलईडी में देखने के लिए मिलेंगे और बाइक के रियर में आपको एलईडी टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको TFT डिस्प्ले वाला कलरफुल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट और राइडिंग मोड भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बाइक के सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको गोल्डन कलर के USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 220cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वोल्ट लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 25 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 20 Nm की। बाइक में आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेफ्टी के पर्पस से काफी अच्छी बात है। तो अगर बाइक के टायर साइज के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलेगा और बाइक के रियर में आपको 150 सेक्शन का वाइड टायर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 30 से 35 km/h का माइलेज आराम से दे देगी, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, ये बाइक आपको क्रूजर कैटेगरी में देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक का जो ओवरऑल लुक है दोस्तों बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि V6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2 लाख के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के अक्टूबर में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये बाइक कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।